हदीस के अंदर मौजूद हैं। हुजूर के वसीले से दुआ मांगना जायज है या नहीं? हरगिज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से या किसी भी सालेह या किसी भी बुजुर्ग के वसीले से जो मर चुके हैं, दुआ मांगना जायज नहीं है। तब रहा दुआ करवाना, मसलन सालेहीन है, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, आप उससे जाकर कहें कि आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें अगर वो जिंदा है तो ये जायज़ है। और इसकी किस्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहयात थे तो सहाबे किराम और सहाबियात आपके पास आती थी और सहाबे किराम आते थे और दुआ करवाते थे। लेकिन आपकी वफात के बाद किसी सहाबी से ये साबित नहीं है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास गए हों और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हो कि आप हमारे लिए दुआ करें या इस किस्म की बातें। सही अहादीस से इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है। बाज वाकयात मिलते हैं इस तरह के तो वो ज़ईफ़ या मौजू रिवायात हैं जिनसे अकीदे में इस्तदलाल करना हराम है, अकीदे में इस्तदलाल उनसे नहीं किया जाएगा।